मरवाही उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने जिला निर्वाचन कार्यालय नामांकन दाखिल करने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ पहुंचे। इस नामांकन दाखिल के दौरान अबकारी व उद्योग मंत्री कवासी लखमा, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत भी साथ मौजूद रहे। मरवाही उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने जिला निर्वाचन कार्यालय नामांकन दाखिल करने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ पहुंचे। इस नामांकन दाखिल के दौरान आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत के साथ ही विधायक और संगठन के अन्य बड़े नेता नामांकन दाखिल कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं नामांकन कार्यक्रम के साथ ही चुनावी सभा कार्यक्रम का आयोजन पेंड्रा के केशव वाटिका में आयोजित किया गया, जहां इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 10 फरवरी को जिले के उद्घाटन के दौरान मेरी एक सभा हुई थी, जिसमें मौजूद अजीत जोगी ने मंच से मेरी तारीफ करते हुए शुभकामनाएं दी। उसके बाद कोरोना काल आ गया। आज मेरी सभा फिर से जिले में हो रही है और बताया कि यह चुनाव हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हमें देश और प्रदेश को यह बताना है कि हम विनाश नहीं चाहते, हम विकास चाहते हैं। भाजपा के प्रत्याशी की तुलना करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने एक डॉक्टर को टिकट दिया है जिसका जन्म कहीं और हुआ, लेकिन 20 साल तक मरवाही में रहकर यहां क्षेत्र की और यहां के नागरिकों की सेवा की है। वहीं भाजपा ने भी डॉक्टर को टिकट दिया है जो पैदा तो यहीं हुए हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए, रायपुर में जाकर अस्पताल खोला है। इसके साथ ही उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में काम करने की अपील की। तनातनी नहीं है, वो यदि पत्र तो राजभवन से पत्र आते ही रहते हैं, उसका जवाब प्रशासन की ओर से चला जाता है। प्रणब जी इल्जाम लगा रहे हैं, फिर उसके बारे में क्या कहेंगे कि तनातनी है, संवैधानिक पदों की हत्या? ये उनको जानकारी होगी, मेरी जानकारी में तो नहीं है। रमन सिंह जी को वो चाहते हैं कि इस प्रकार से हो, लेकिन बिल्ली के भाग से सीका नहीं टूटता। अलग अलग सामग्रियों पर भूपेश टैक्स की बात कर रहे थे कल रमन सिंह। तो भाई जब योगी जी जब मुख्यमंत्री थे, 5 रुपया सीमेंट में बढ़ाते थे योगी टैक्स बोलते थे, और वो जो 55-60 रुपये से बढ़ के आज जब 250 रुपया हुआ, तो फिर ये जो बचत जो राशि है कि वो रमन सिंह टैक्स था। रमन सिंह इस बात को जवाब दे, वो टैक्स लेते रहे कि नहीं लेते। जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो इल्जाम और जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्या उनसे पे क्या? देखिए, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत ही कार्रवाई की जा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो हाई पावर कमेटी की जो नियम है, उसके हिसाब से जो नियम बना उसके हिसाब से कार्रवाई। पेंड्रा से सुमित जलान की रिपोर्ट, ACN24।